हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू फर्म में। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, पोको ने काफी समय से अपनी कोई भी सीरीज लॉन्च नहीं की है। अब पोको ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत जल्दी वो अपनी पोको की F4 5G सीरीज इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पर पोको कंपनी पोको F4 5G और पोको F4 5G प्रो फोन लॉन्च कर सकती है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको F4 5G फोन के बारे में, जो कि एक मिड रेंज फोन होने वाला है और इसके अंदर आपको काफी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी पोको के फोन यूज करते हो या फिर कोई न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने की रहे हो तो आज की वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इस फोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, क्या इसका प्राइस रह सकता है और कब ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए चलते अपनी वीडियो की ओर। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। यहाँ पर आपको ग्लास फ्रंट और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा आपको एक डिजाइन देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और उसके साथ में आपको यहाँ पर 1300 निट्स पीक भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा की। तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। साथ में आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिल जाती है और इस फोन के अंदर आप 4K तक की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो इस फोन के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। उसके साथ में आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पे MIUI 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की। तो ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 6GB प्लस 128GB, साथ में आपको 8GB प्लस 256GB। इस फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, GPS मिल जाता है, NFC मिल जाता है, USB टाइप सी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, उसके साथ में एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास जैसे सारे सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो इस फोन के अंदर आपको 4500mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल सकती है और उसके साथ में आपको यहाँ पर 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आपका 100% सिर्फ 38 मिनट में ये फोन हो जाएगा। और इस फोन में आपको क्विक चार्ज 3+ देखने को मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो ये फोन आपको ब्लैक, ग्रे और ग्रीन कलर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस की। तो ये फोन अराउंड 26,000 to 27,000 इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इसमें आपको कुछ ऑफर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको 25,000 के अराउंड पड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पोको के जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर आपको ज्यादा हाई प्राइस देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो ये फोन 26 जून को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने बात करी पोको F4 5G फोन के बारे में कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका प्राइस रह सकता है, कब ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।